नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रेम की रसोई एंड टिप्स इन ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे सूजी गेहूं के आटा और कुछ सब्जी से बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। चटपटा खाने का शौकीन है तो ये वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा बनके तैयार होता है। जैसे कि गाइज आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बड़ा सा बाउल लिए हैं, उसके बाद एक छोटा कटोरी से हमने एक कटोरी सूजी लिया है, उसी कटोरी से एक कटोरी हमने गेहूं के आटा लिए है। देखिए, हमने यहाँ पे एक गिलास से थोड़ी सी कम नॉर्मल पानी लिए हैं। सूजी आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल को तैयार कर लेंगे। तो देखिए, पानी एक साथ नहीं डालना है, 2 से 3 बार इसी तरीका से थोड़ा थोड़ा डाल के घोल को तैयार कर लेना है, नहीं तो लम से बन जाएगा। ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, कुछ इस तरीके से घोल को तैयार कर लेना है। ये देखिए, क्योंकि इसमें सूजी डाला है तो सूजी 2 मिनट में पानी सोख लेगा। पानी कम होगा तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ सब्जी तैयार करके रखे हैं तो उसको डालेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ के आलू को छील के कद्दूकस कर लिए हैं तो साथ में उसको डाल लेंगे। उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज के बारीक कटी हुई प्याज को डाल लेंगे। प्याज से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ में हम एक मीडियम साइज के छोटा सा शिमला मिर्च लिए हैं, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं तो साथ में उसको डाल लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने एक बड़ा साइज के रेड मिर्ची लिए हैं। ये राजस्थानी मिर्ची है, ये तीखा नहीं होता है। ये हमने कलर के लिए डाले हैं, इसे कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो साथ में बारीक चॉप करके इसको डाल लेंगे। उसके बाद ये हमने कद्दूकस की अदरक 1 चम्मच डालेंगे, साथ में लहसुन भी कद्दूकस की 1 चम्मच डाल लेंगे। इससे टेस्ट फ्लेवर दोनों बढ़िया आता है। देखिए, हमने इसमें सब्जी तो डाल लिए हैं, अपना मनपसंद इसमें कोई भी सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और चटपटी बनाने के लिए इसको अब हम कुछ सूखा मसाला पाउडर डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। कलर के लिए यहाँ पे हमने डाल रहे हैं 2-3 चुटकी के लगभग हल्दी पाउडर। उसके बाद 1 चम्मच के लगभग इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो कोई भी गरम मसाला 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। गरम मसाला से टेस्ट फ्लेवर दोनों बहुत बढ़िया आता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग इसमें नींबू के जूस डाल रहे हैं। नींबू के जूस से थोड़ा सा नाश्ता हल्का खट्टा हो जाता है तो इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। देखिए, घोर में हमने सारे सब्जी और मसाला डाल लिए हैं। अब इसको बढ़िया से हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए, घोर थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो और 3-4 चम्मच के लगभग इसमें पानी को डालेंगे। पानी डाल के इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे तो देखिए, घोर एकदम परफेक्ट तैयार हो गया। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने फ्राई पैन बैठाए हैं, गैस को ऑन कर दिए हैं। इसमें देखिए, हमने 2 चम्मच तेल डाले हैं। तेल बढ़िया से गर्म हो जाएगा। उसके बाद आधा छोटा चम्मच इसमें राई डालेंगे। राई बढ़िया से तड़क जाएगा। उसके बाद जो घोर हमने तैयार किए हैं उसको साथ में डाल लेंगे। गैस के फ्लेम अप डाउन करके घोर को तब तक पकाना है कि जब तक घोर हमारा टाइट ना हो जाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट लगता है घोर टाइट होने में। जैसे कि आप गाइस देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे घोर गाढ़ा होता जाएगा ऐसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। देखिए, घोर एकदम परफेक्ट तैयार हो गया। इसी तरीका के तैयार कर लेना है। गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने डब्बा लिया है तो इसी तरीका से कोई भी आप लोग का डब्बा ले लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम सभी जगह तेल को लगा लेंगे। तेल लगाने से नाश्ता निकालने में बहुत ही आसानी होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ये डो टाइट है। इसी तरीका के डो को तैयार कर लेना है। अगर डो लूज लगे तब भूनते समय पे थोड़ी सी इसमें सूजी को ऐड कर सकते हैं, उससे डो टाइट हो जाएगा। उसके बाद इस तरीका से सुंदर इसको शेप बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए, हमने शेप बना के सुंदर तैयार कर लिए है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रख देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए। तो देखिए, 2 मिनट हमने छोड़ दिए थे, 2 मिनट में हल्का ठंडा हो गया है। अब इसको हम काट लेंगे। तो अपना मनपसंद कोई भी इसमें शेप काट के तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम चरकोन काट के तैयार करेंगे।
इस तरीका से कटने के बाद डब्बा को घुमा देंगे, दोबारा हम इसको उसी प्रोसीजर में काट लेंगे। अब इसको डीप फ्राई करने के लिए हमने पहले से गैस पे कढ़ाई बैठा कर उसमें तेल डाल रखे हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए अब डीप फ्राई करने का तरीका जान लेते हैं। तो एक बार हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं, देखिए एकदम तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। हम नाश्ता को डाल लेंगे। तेल एकदम बढ़िया से गर्म करना है, इससे तेल बिल्कुल नाश्ता में नहीं लगता है और नाश्ता एकदम कुरकुरा बन के तैयार होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि तेल एकदम हाई गर्म रखना है। उसके बाद 2 मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हल्का सा नीचे से कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्का सा कुरकुरा हो जाएगा, उसके बाद गैस के फ्लेम लो कर देंगे। तो देखिए हमने गैस के फ्लेम लो कर दिए हैं और 2 मिनट इसको इसी तरीके से चलाते हुए बढ़िया से क्रिस्पी कर लेंगे। तो जैसे हमने बताए हैं उस तरीका से गाइज आप बनाएंगे तो एकदम नाश्ता परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो गाइज हमने हर वीडियो में छोटे छोटे तरीका बताए हैं कि जिसको नहीं बनाने आएगा वो भी एक बार में बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर लेगा। जैसे हमने बताए हैं उस तरीका से ये नाश्ता को एक बार जरूर बना के देखिएगा, जैसे कि आप गाइस देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में।